टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। किसानों ने 8 दिसंबर यानी आज भारत बंद का ऐलान किया था। किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया कृषि कानून वापस लिया जाए और इस बंद का असर मुंब्रा शहर में भी देखा गया। एनसीपी पार्टी के शमीम खान और शानू पठान ने मुंब्रा शहर में ट्रैक्टर पर आंदोलन किया। किसानों को हक दिलाने के लिए यह आंदोलन मुंब्रा शहर में किया गया और आज सभी दुकानें शहर की बंद रहीं। बहरहाल सड़कों पर कुछ वाहन चलते हुए जरूर नजर आए। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए एनसीपी पार्टी ने यह आंदोलन किया जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आंदोलन के दौरान मुंब्रा बाईपास पर शमीम खान शानू पठान ने रास्ते पर आंदोलन करने लगे और गाड़ियों को रोक दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और शमीम खान शानू पठान सहित कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और कानूनी कार्रवाई के बाद इन्हें छोड़ भी दिया गया। क्या कहा है आंदोलनकारी शमीम खान ने सुनी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता माननीय हसीम मिश्र डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार, मुंब्रा की आवाम, हम लोगों ने मिल करके आज जो इनके काले कानून हैं नरेंद्र मोदी जी के, आज उसके खिलाफ हम लोगों ने एक एहतजाज किया। वो बिल जलाई जो किसानों के हित में वो बिल नहीं है, इनका जो काले कानून की बिल है उसको जलाया गया। ट्रैक्टर को लेकर के हम लोगों ने हमारे विधानसभा कार्यालय ऑफिस से वाई जंक्शन तक हम लोगों ने एक रैली निकाली, वहाँ जा कर के हम लोगों ने एहतजाज किया। हमारा मैसेज यही है कि आज देश का हर एक किसान कहीं ना कहीं वो अपने पेट के लिए, अपने परिवार के लिए, आज कहीं ना कहीं वो, आप अगर देखेंगे तो आज दिल्ली के बॉर्डर पे आकर के इस ठंडक में, जो कड़क ठंडक है, जहाँ पे इंसान को कंबल की ज़रूरत है, चादर की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, लेकिन उनको इसकी फिक्र नहीं है। तकलीफ़ तो बहुत है उनको, लेकिन उनको इसकी फिक्र नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उनको इसकी फिक्र है कि हमारे देश के साथ में क्या हो रहा है, किसानों के साथ में क्या हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की ये जो गवर्नमेंट है, जो भी हमारे किसानों के साथ जुर्म और ज़्यादती कर रही है। एक नारा था जय जवान जय किसान, मैं कहना चाहता हूँ जय जवान जय किसान का नारा फेल हो चुका है। देश का ये नारा था ना, ये जवान के साथ में है ना ये किसान के साथ में है। ये कहते थे कि अच्छे दिन आएंगे, आज यही अच्छे दिन है। आज दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली का बॉर्डर देख लो आप, तो पूरा बॉर्डर बंद हो गया, पूरे बॉर्डर तक लोग किसान पहुँच चुके हैं। ये मुंबई, ये मुंब्रा कलवा ही की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के कोने से आएगी और इनको ये काला कानून इनको वापस देना पड़ेगा। जैसे रेलवे स्टेशन बेच दिया, जैसे एयरपोर्ट बेच दिया, जैसे देश को बेच दिया, उस तरीके से आज किसान को भी बेच दिया।